नमस्कार सभी को। एक बार फिर से मैं दीवान सिंह मेहता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, राम राम। बिल्कुल शेयर करने का काम करें, फिर शुरू करें आज की वीडियो। अच्छा, एक अपने भाई, अभी जो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन मेन वेबसाइट पे अभी भी नहीं आया है, ठीक है? तो वो आजकल में आ जाएगा, लगभग वो 100% सही न्यूज है, फेक नहीं है। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, हम फेक न्यूज देखते देखते सभी को फेक समझने लग जाती है, हो जाता है ना कई बार। तो जेई का भी इसी तरह से नोटिफिकेशन आया था और वो भी फेक नहीं था, ठीक है? तो सब चीजों को फेक भी मत समझा करो। बिल्कुल 21-22-23 तारीख को 100% एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस है। कल तक आपको साइड पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कलर्क के बारे में, बिल्कुल। क्योंकि कलर्क की भर्ती पहले होगी, पुलिस वाली कंप्लीट नहीं हो सकती, कलर्क वाली कंप्लीट करेंगी। तो तैयारी में लगे रहो, दिन रात एक कर दो, अभी टाइम है आपके पास। अगर इन 20 दिनों में आप अच्छे से स्टडी करते हो सभी सब्जेक्ट को लेकर, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जो एक दो सब्जेक्ट में आप वीक हो वो जरूर पढ़ा करो, ठीक है? और जैसे आपने जेई वाले आंसर की देख ली होगी सभी ने, तो उसमें मैं आपको बता दूं, 3 पेपर हुए थे दिन में, और 3 पेपरों में 70 से 80 क्वेश्चन जीके के थे। सारे मैंने आपको करवा दिए थे लगभग, उसमें एक दो प्रश्नों की मिस्टेक हो गई थी, ठीक है? तो इसमें बात करिए अपने, एक दो प्रश्नों की हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टीचर कोई भगवान नहीं होता। लेकिन एक कई प्रकार से कई होते हैं जो मतलब कमेंट में गलत कमेंट करते हैं, तो वो सही बात वो नहीं देखते कि जस्ट जैसे ही पेपर हुआ हमने 20 मिनट बाद में वीडियो डाल दी थी, कोई गूगल सर्च नहीं किया था, ठीक है? तो एक दो प्रश्न योजनाएं वगैरह है, वो चीज आप देख लेना, ठीक है? बिल्कुल आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट जानकारी दी गई थी, एक दो प्रश्नों को छोड़ के 60-70 प्रश्न करवाए थे। बिल्कुल जय हिंद सभी को भाई, राम राम। बिल्कुल तो अभी करें स्टार्ट आज की वीडियो अपने। आज की वीडियो में बात करेंगे हम हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से प्रश्न आते हैं, और जेई के पेपर में भी प्रश्न यहाँ से बने थे, आपने देखा होगा जेई वाले पेपर में। तो आज का टॉपिक रहेगा वन्य जीव अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? और राष्ट्रीय उद्यान मार्कर दूसरा देना, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HSSC की दृष्टि से हम इसे देखें तो वन्य जीव अभ्यारण और अपने बात करें राष्ट्रीय उद्यान, तो इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। बिल्कुल नमस्ते भी दिलजीत कुमार। बिल्कुल अभी देखो स्टार्ट कर लेते हैं ना, बुध राम गुड नाइट ही बोलने लगे क्या? तो वन्य जीव अभ्यारण, देखो पहले तो एक बात का पता हो, हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण की संख्या कितनी है? 8 है। कितने वन्य जीव अभ्यारण हरियाणा में? 8 वन्य जीव अभ्यारण है। और बात करें राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर प्रश्न आए कि वन्य जीव अभ्यारण कितने हैं? 8, और राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले अपने से, राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, तो आंसर क्या देंगे हम? हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा बताओ फटाफट कि हरियाणा के अंदर संरक्षण या संरक्षित जो बात करे वन्य जीव अभ्यारण है उनकी संख्या कितनी है? वन्य जीव अभ्यारण ये भी आपने पढ़ा होगा भाई, बताओ ये कितने हैं जिनको अलग से रखा गया है? बिल्कुल 2 है, 2 कितने आएंगे सोनू? बिल्कुल राइट है विकास, सोनू, अज्जू, करण सिंह, बिल्कुल कितने रहेंगे? 2। तो ध्यान में रहे 8 वन्य जीव अभ्यारण है और 2 संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण है और 2 राष्ट्रीय उद्यान। इनमें अंतर क्या होता है वो सुनो भी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण में एक बार अंतर सुनो। राष्ट्रीय उद्यान, एक बात करें हम राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो बात करें भारत सरकार के अंडर में होते हैं, और वन्य जीव अभ्यारण राज्य सरकार के अंडर में होते हैं। पहले तो ये याद हो कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो जीव जंतु है वो लुप्त होने की कंगार पे है, अलुप्त हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए वन्य जीव अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है HSSC में, बिल्कुल। इसके बाद में देखो, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की कटाई चराई और मानव का प्रवेश बात करें निषेध है, यानी इसमें मानव का प्रवेश नहीं हो सकता, कटाई और चराई भी नहीं हो सकती। टिकट वगैरह लेके देखे वो अलग बात है,
तो राष्ट्रीय उद्यान में ये चीज हुई। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कटाई चराई आरक्षित होता है, उसके अंदर किसमें वन्य जीव अपने वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें कटाई चराई हो सकती है, यानी पेड़ पौधों की कटाई होगी, पशुओं की चराई होगी, वो इसमें हो सकती है लिमिट में। लेकिन हरियाणा में दो वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनमें कटाई चराई और मानव का प्रवेश है या निषेध है, तो ये दो रहेंगे ये वाले, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। पहले हम पढ़ते हैं आठ वन्य जीव अभ्यारण्य, इनके बारे में देखो भाई, आठ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, एक बार शेयर भी कर दो भाई। बिल्कुल, नंबर एक पे बात करें हम तो वन्य जीव अभियान में अबूब शहर का नाम लेते हैं हम, अबूब शहर, बताओ कहाँ है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण सिरसा में, बिल्कुल तरुण, बिल्कुल विक्रम, शिया, सोनू, बिल्कुल कहाँ रहेगा, अबूब शहर रहेगा वन्य जीव अभियान सिरसा में। और ये वन्य जीव अभ्यारण हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण है, कई किताबों में कलेसर भी दे रखा है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, दो अलग अलग है, लेकिन बात करें हरियाणा में ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण है HSSC के अकॉर्डिंग। कितना क्षेत्रफल है इसका, इसका रहेगा अपने क्षेत्रफल कुल, ये वाली बात अपने को ध्यान में रखनी है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, 1 15 30, देखो अपने हेक्टेयर में आ जाएगा ना, हेक्टेयर, हेक्टेयर आएगा भी, हेक्टेयर। अभी देखो इसमें याद करना बिल्कुल आसान है, अगर इसको करोगे 11,530 तो भूल जाओगे, एक सबसे बड़ा है तो एक नंबर पे होगा ना, एक नंबर पे है, 15 15 का डबल क्या हो जाएगा 30, 1 15 30 याद रहे अबूब शहर सिरसा, 1 15 30 याद रहे अबूब शहर सिरसा, ये बात अपने को इसमें सिरसा वाले में ध्यान में रखनी है। इसमें बात करें हम काले हिरण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, काले हिरण। अब काले हिरण की बात की है मैंने केवल, न कि राष्ट्रीय उद्यान अपने काला काले हिरण के बारे में हमने पार्क की या बात करें इसकी जो अपने पार्क वगैरह बनाए उसकी बात नहीं हुई, ठीक है, तो काले हिरण की बात हुई है केवल। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अबूब शहर में। काला हिरण, काले हिरण के बारे में प्रजनन केंद्र पूछे तो वो कहाँ रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ है, पीपली कुरुक्षेत्र में। और सीधा पूछे अपनी बात करें, थोड़ा ये ध्यान में रख लेना, आगे बात करें, बिल्कुल इसके बाद में सुनो, नंबर दो पे बात करें हम, नंबर दो पे अपने अच्छा एक चीज ये भी ध्यान में रहे, हिरण, हिरण सीधा आ जाए, हिरण उद्यान कहाँ है, हिरण उद्यान कहाँ है, बताओ फटाफट, हिरण उद्यान कहाँ है, हिरण उद्यान कहाँ है भाई, हिरण उद्यान निसार में है, कहाँ रहेगा, निसार में, हिरण उद्यान रहेगा निसार में। प्रश्न आ जाए हिरण पार्क कहाँ है, हिरण पार्क कहाँ है, पार्क का पूछ रहे तो क्या आंसर देंगे, हिरण पार्क, बताओ फटाफट कमेंट करो भाई, निसार रोहतक, बिल्कुल रोहतक में है हिरण पार्क, तो हिरण पार्क यहाँ लिख देता हूं मैं रोहतक, तो हिरण पार्क का ध्यान मेरे रोहतक में, उद्यान कहाँ है, निसार में है, बिल्कुल ये दो चीजें यहाँ याद करनी है। और काले हिरण सबसे ज्यादा अबूब शहर सिरसा में पाए जाते हैं। इसके बाद में नंबर दो पे बात करें हम तो छोटे की बात कर लेते हैं, अपने छिलचिला, छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण, छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण, बताओ इसका कितना क्षेत्रफल है और कहाँ है, कितना क्षेत्रफल है और कहाँ है, बिल्कुल कुरुक्षेत्र में है, सोनू, हेमंत, बिल्कुल कोमल, है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, क्षेत्रफल और बता दो भी फटाफट, KUK में है, मान लिया आपका कितना आएगा, सोनू, बिल्कुल 29 वर्ग किलोमीटर, यहाँ वर्ग किलोमीटर है भाई, 29 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वो हेक्टेयर में है, उसको अगर हम वर्ग किलोमीटर लिखते हैं तो देखो 11,530, तो हरियाणा का ये 44 जातो, ठीक है, 44 जातो बार, तो इसमें बात करें 11,530 हेक्टेयर में है और यहाँ 29 वर्ग किलोमीटर में है। छिलचिला सबसे छोटा है हरियाणा का, 71 भी कई किताबों में दे रखा है, आपकी बात मानी नेहा, लेकिन बात करें हम HSSC के अकॉर्डिंग, प्रश्न तो आज तक नहीं आया 2900 वर्ग किलोमीटर वाला, लेकिन इसकी विकिपीडिया वगैरह पे आप देखोगे ज्यादातर जगह 2900 वर्ग किलोमीटर है, तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे देगा, अंतर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि अंतर नहीं मिलेगा, ऑप्शन में काफी अंतर मिलता है, उस समय पहचान सकते हैं। अच्छा यहाँ पर बात करें हम शीतकालीन,
पक्षियों का प्रवास, ठीक है भाई। तो शीतकालीन पक्षियों का प्रवास के लिए जाना जाता है कौन सा उद्यान? चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य। याद कर लोगे, चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य शीतकालीन पक्षियों के लिए जाना जाता है, ये चीज ध्यान में रहे। 29 वर्ग किलोमीटर में है। नंबर तीन बात करें, हम तीन पे हम ले लेते हैं बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा भाई? झज्जर में। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर में, बिल्कुल झज्जर में है बिंडावास। उसके बाद में बात करें हम चार, खपरवास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है भाई? झज्जर में है। खपरवास भी कहाँ है? झज्जर में है। तो ये चीज ध्यान में रहे, बिल्कुल झज्जर में है दोनों, बिंडावास और खपरवास। पांच नंबर पे आगे बात करें हम, तो अगला आ जाएगा खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। बिल्कुल मोना ने लिखा है एरिया। देखो एरिया में बड़ा और छोटा दो याद कर लेना, आज तक यहां से बड़े में अबूब शहर में आया, छोटे में नहीं आया, ठीक है। बाकी किस किस के आप एरिया याद करोगे, केवल दो के ही करने हैं। तो पिंडावास और कपरवास कहाँ हो जाएगा? झज्जर में। खोल ही रेतान कहाँ रहेगा? पंचकुला। बिल्कुल सबसे पहले उत्तर दिया है पूनम ने, उससे पहले ऊपर चला गया कमेंट कोई था। तो यहाँ पर खोल ही रेतान कहाँ रहेगा? पंचकुला में, ये भी ध्यान में रही, पंचकुला में। नंबर छह बात करें हम, छह नंबर पे आए तो छह नंबर पे हम बात कर सकते हैं अगले वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। अपने कौन सा बच गया भाई? खपरवास हो गया, खोल रेतान हो गया, बिंडावास हो गया, चिलचिला हो गया, अबूब शेर हो गया, रेवाड़ी वाला बसता है ना, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है भाई? रेवाड़ी में। बिल्कुल नाहड़ रेवाड़ी में है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और आगे आ जाए ना, नाहर सिंह के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो नाहर सिंह के बारे में आपको पता ही है ना, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से उनका संबंध था, बिल्कुल वो अलग है, वो भी आप ध्यान में रखना, बिल्कुल। उसके बाद में आगे बात करें हम सात नंबर पे, वीर शिकारागढ़ वन्य जीव अभयारण्य। बताओ वीर शिकारागढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है अभी? वीर शिकारागढ़ वन्य जीव अभयारण्य, वीर शिकारागढ़ के बारे में कहाँ रहेगा? जींद। गलत आंसर आ रहा है पंचकुला, मोना का बिल्कुल सही है, क्या रहेगा? पंचकुला। इसमें आपको मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपको याद करने हैं इन सभी के बारे में। अब ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर तो सात नंबर तक हो गए, आठवां नीचे दिखाई दे देगा ना, दिखाई दे देगा कैमरे में, दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे देगा। उसके बाद में अगला बचा है अपना तो कलेसर वाला कहाँ रहेगा भाई? एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है, बिल्कुल जय माता दी वाला कौन आ गया? रितु। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहा हूँ, यमुना नगर, बिल्कुल ये कहाँ है? यमुना नगर में है। और इसकी खास बातें भी, अभी यमुना नगर कलेसर वाले की क्या क्या खास बातें बताओ भाई? यहाँ पर कौन कौन से अपने बात करें, अपने किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो एक तो चित्तल के लिए बात करें हम, यहाँ पर चित्तल और भौंकने वाले हिरण, नीलगाय, सांबर, ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। भौंकने वाले हिरण, एक तो चित्तल याद करना, दो भौंकने वाले हिरण, तीन नंबर पे नीलगाय, चार नंबर पे सांबर, ये चारों याद कर लोगे ना। और अब की बार पेपर में चित्तल पूछा हुआ था शायद ना, जेई वाले में, तो वो कलेसर हो जाएगा, थोड़ी ध्यान में रखना। इसके बाद में अब देखो, दो हरियाणा के अंदर दो क्या है? संरक्षण या संरक्षित जो है, बात करें हम वन्य जीव अपने जो वन्य जीव संरक्षित है दो, उनके बारे में बात करें। देखो एक नंबर पे बात करें और दो नंबर पे, एक नंबर पे आ जाएगा बीरबारा, क्या जाएगा भी? बीरबारा, दिखाई दे रहा है ना ऊपर तक, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बिल्कुल
लाल मुर्गी है ना, लाल गर्दन के जंगली मुर्गी, वो आप बता रहे हो ना कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में, वो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में, अंतर है थोड़ा। वो कहाँ रहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान में। और भौंकने वाले हिरण कहाँ रहेंगे? तो वो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में। बिल्कुल, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, वो भी ध्यान में रहे, जींद में है। अच्छा, भीलवाड़ा हो गया, एक बच गया अपना सरस्वती, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ रहेगा? केथल वह कुरुक्षेत्र में, सीमा पे है, अधिकतर कुरुक्षेत्र केतल में है, अधिकतर कहाँ पे है? केतल में। दोनों ऑप्शन में आए तो केतल करेंगे, और ये भी दोनों आ जाए तो ये भी दोनों करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। बिल्कुल, केतल में है और कुरुक्षेत्र में भी है, अगर ये भी दोनों आए तो ये भी दोनों कर देना, वरना क्या करेंगे? केवल केतल। इनको विशेष से अलग से संरक्षित रखा गया है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, भीलवाड़ा और सरस्वती सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को। अब इनको याद करने का तरीका सुन लो भाई, जिस तरह से भी हम याद करें इनको याद करना पड़ेगा। देखो, एक चीज, अबूब शहर, अबूब शहर सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा अबूब शहर है कहाँ पे? सिरसा में। और भारत हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में सिरसा ही तो है ना, सिरसा ही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा जिला सिरसा और सबसे बड़े में सबसे बड़ा अबूब शहर कौन सा रहेगा? अबूब शहर। इस तरह याद करना कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। सिरसा जिला है, शहर भी बोल दे सकते हैं ना हम, शहर भी बोल सकते हैं, तो अबूब शहर भी आ गया इसमें, इस तरह से याद करना। उसके बाद में छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा है कुरुक्षेत्र में। देखो, महाभारत का युद्ध हुआ था, सभी को पता है, महाभारत के युद्ध में, यानी बात करें हम जो युद्ध हुआ उसमें प्रत्येक व्यक्ति को छील दिया गया था, काट वाट तो हुई थी ना उसमें, या जैसे भी है, छील दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति को छील दिया गया। अब अगर कोई चीज को छीला गया तो मतलब कुरुक्षेत्र में छीला गया ना, छीला कहाँ गया था युद्ध में? कुरुक्षेत्र में। अब देखो, छील दिया गया प्रत्येक व्यक्ति को कुरुक्षेत्र में, ये चीज हम याद करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में देखो, छीलने के बाद चीज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ये भी पता है ना आपको, किसी को छील दें तो छोटी हो जाती है। जैसे उदाहरण ले, हम अपने बात करें किन्नू का एग्जाम्पल ले, किन्नू को ऊपर से छील देंगे तो छोटा हो जाएगा ना किन्नू, तो ये छोटा है सबसे, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है? तो छिलचिला छोटा है कुरुक्षेत्र में, 29 वर्ग किलोमीटर, ये थोड़ा ध्यान में रहे। उसके बाद में शीतकालीन वाली बात याद रख लेना, बिंडावास और एक रह गया कहाँ पे? खप्परवास। कहाँ लिख रखा है भाई? बिंडावास और खप्परवास लगातार लिख रखे दोनों, बिंडावास और खप्परवास जज्जर में है, ये चीज याद रखनी, खुद को याद करना पड़ेगा। देखो, बिंडावास वास वास दोनों में आ रहे हैं ना, और वास वास से जज्जर याद कर लेना, ठीक है? वास वाले दोनों कहाँ पे है? जज्जर में। उसके बाद में खोली रेतान अपने वन्य जीव अभयारण्य, एक तो पंचकुला वाला ये, और एक पंचकुला वाला वीर बारा अपने वीर वीर शिकारागढ़। अब देखो, हरियाणा में प्रतिशत की दृष्टि से वन ज्यादा कहाँ पे है? पंचकुला में वन ज्यादा है ना, पंचकुला में वन ज्यादा है प्रतिशत के हिसाब से। अब देखो, यहाँ वन ज्यादा है, और वन में क्या होता है? शिकार होता है। क्या होता है वन में? अपने वीर शिकारागढ़, इसमें शिकारा नहीं लिखा, वीर शिकारा शिकारागढ़। तो देखो, शिकार लिख रखा है ना इसमें, वीर शिकारागढ़ पूरा नाम है इसका। तो शिकार कहाँ होगा? वन में होगा। शिकार कहाँ होते हैं? वन में होते हैं। और वन ज्यादा परसेंट में कहाँ पे है? पंचकुला में। और शिकार करेगा कौन है? शैतान लोग ही करते हैं। शैतान का क्या बना लेंगे? भी रेतान। देखो, शिकार कहाँ होगा? वन में। और शिकार करेंगे कौन है? शैतान लोग करेंगे। और शैतान का रेतान बना लेना, रेतान शैतान, ठीक है? शिकार पंचकुला यानी वन में, दोनों ही कहाँ रहेंगे? पंचकुला। इस तरह से ये भी याद रहे। उसके बाद में देखो, कलेसर, कलेसर सभी को पता है यमुनानगर में है, वन्य जीव अभयारण्य भी, राष्ट्रीय उद्यान भी, फिर भी याद ना रहे तो देखो, कलेश, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? कलेसर में कलेश दिखाई दे रहा है, और यमुनानगर में आपको मुन्ना दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मुन्ना। यमुनानगर में मुन्ना अलग निकालो, और कलेश, कलेसर में कलेश अलग निकालो। अब घर में कलेश कौन करता है? मुन्ना ही करता है। घर में कलेश कौन करेगा? कलेश का मतलब लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं ना हम, तो घर में कलेश कौन करेगा? मुन्ना ही करेगा। अब बात करें ना, हम बात करें, जब छोटा बच्चा होता है और उसकी मम्मी उससे बात करे, हमें जैसे खिला रही है, उसके बाद काम करने जाएगी, जब तक तो वो खुश रहेगा, ठीक है, खेलता रहेगा, और जब काम करने चले जाएगी ना, पीछे से वो रोएगा, तो कलेश ही हो गया ना, काम होगा नहीं घर में, तो कलेश कौन करेगा? मुन्ना करेगा। इस तरह से ये भी अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपने दो बचे, बीरबारा और वीर, एक तो बीरबारा,
अब शिकार में तो वीर शिकारागढ़ में शिकार आए तो पंचकुला करेंगे, वीर बारा। अब आपको पता है हम बोलते हैं भाई को क्या बोलते हैं, वीर बोलते हैं ना, वीर पंजाबी में बात करें वीर बोलते हैं। बारा, बार आपको पता है ना बार कौन सा होता है, तो जैसे बात करें बार हम जैसे वीर बार की बात करें, कोई पार्टी बार की बात करें, तो एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है कि वीर बार में कभी जिंदगी में भी मत जाना। क्या कह रहा है कि बार में कभी जिंदगी में भी मत जाना, ये चीज ध्यान में रहे, वीर कभी बार के अंदर जिंदगी में भी मत जाना। क्या रिप्लाई करना है भाई? ए जी, ए जी ने क्या लिखा भाई? तो ये चीजें आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लिया जाए इसका, दोबारा लिखो भी क्या पूछ रहे हो, ऊपर चला गया कमेंट, ऊपर चला गया कमेंट, रिप्लाई करेंगे बिल्कुल, दोबारा कर दो भी क्या लिखा था। अच्छा ले लिया स्क्रीन शॉट, बिल्कुल कोमल एरिया की बात करें, देखो अबूब शहर और चिलचिला दो के ही एरिया याद करने है, ये फालतू की चीजें एरिया याद है नहीं करना, क्योंकि वन्य जीव बहन हाँ आपको बड़े छोटे के बारे में पता हो और राष्ट्रीय उद्यान के जो है उनके पता हो, वो चीज जरूरी है। ठीक है बिल्कुल, वो चीज जरूरी है। आपको पता है ना जिके समुन्द्र जैसा होता है, समुन्द्र कितना विशाल होता है, समुन्द्र विशाल